सगरमाथामा भारतले पनि दाबी ठोक्नुपर्छ भनेर विवादास्पद जवाफ दिएको भारतीय मिडिया जी न्यूजले फेरि नेपाल सम्बन्धी अर्को विवादास्पद समाचार प्रकाशनमा लिएको छ। यो समाचार हेर्नुहोस् है त। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधि शशि और बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने देश के नए विवादास्पद नक्शे को मंजूरी दे दी है। नए मैप में नेपाल ने 3 भारतीय क्षेत्रों को अपने इलाके में दिखाया है। आपको ये भी बता दें, लिगपियान धुरा, लिपू लेक और काला पानी नेपाल के नक्शे में दिखाए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि ये तीनों ही इलाके नेपाल में आते हैं। विद्या देवी भंडारी ने कहा कि तीनों इलाकों को वापस पाने के लिए ठोस राजनयिक कोशिशें की जाएंगी। राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने कहा कि नेपाल के सभी इलाकों को दिखाते हुए एक आधिकारिक मानचित्र जारी होगा। तो ये नई हरकत नेपाल की तरफ से आपने देखी कि 3 इलाके भारत के जिन्हें अपने नक्शे में दिखाते हुए ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नक्शा जारी किया गया। सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, ये दूसरी बार ऐसा किया है अभी हाल ही के दिनों में नेपाल ने, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मसला है ये 2 दिन पुराना है, 2 हफ्ते पुराना या 2 महीने पुराना नहीं है, 200 साल पुराना मसला है। 18वीं शताब्दी में जब नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच जंग हुई थी, उस वक्त एक ट्रीटी साइन हुई थी 1815 में, उसके मुताबिक ये टेरिटरीज ब्रिटिश राज के अंदर आ गई थी। अब अचानक से देखा गया है, नेपाल बीच बीच में बोलता आया हुआ है, ऐसा नहीं कि 70 के दशक में या 50 के दशक में बोला नहीं था, पर उसके बाद ये पहली बार बोला है और कहीं ना कहीं चीन का एक बड़ा रोल इसमें माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट सबसे पहले तब हुआ जब भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक रोड का इनॉग्रेशन करा जो लिपू लेक से जाती है। लिपू लेक को नेपाल कहता है कि वो उसकी टेरिटरी है, और उसके बाद नेपाल ने क्या किया, हमारे जो ऑनवॉय हैं उनको समन करा और कहा कि ये गलत चीज हो रही है भारत की तरफ से, और भारत ने दोहराया कि ये भारत की टेरिटरी है। उसके बाद हमने देखा नेपाल ने कहा कि वो नया मैप जारी करेंगे, वो जल्दी जारी करने वाले हैं। मैप जारी करने से वैसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑन ग्राउंड जो जमीनी चीज है वो बदलेगी नहीं, पर कहीं ना कहीं तो चीन का एक बड़ा रोल देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये जो नेपाल कर रहे हैं ये किसी के कहने की वजह से कर रहा है, और वो नाम नहीं लिया था, पर मतलब यही था कि चीन की वजह से कर रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि सेना प्रमुख इस बात को साफ कर चुके थे कि किसी और का हाथ इसके पीछे हो सकता है, और ये मसला भले ही कई साल पुराना हो सिद्धांत, लेकिन इस तरह से मैप के जरिए कैबिनेट की मंजूरी को लेकर और फिर राष्ट्रपति की तरफ से कह देना कि इसको लेकर आगे की हम और रणनीति साफ करेंगे, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लंबे इस नए रास्ते का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। धारचूला से लिपुलेक तक जिस नई रोड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था उस पर नेपाल ने आपत्ति जताई। चीन को साधने के लिए यह नया रास्ता सेना के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को इस रूट की लंबी अरसे से प्रतीक्षा थी। सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए इस नई सड़क का खास महत्व है। चीन सीमा पर सैनिकों के लिए रसद आपूर्ति आसान होगी। लिपुलेक पर ही भारत चीन की लंबी सीमा है। नए रास्ते से सेना के बड़े बड़े वाहन कम समय में बहुत आसानी से चीन के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। टैंकों को भी आसानी से बॉर्डर तक ले जाया जा सकेगा। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर हथियार, गोला बारूद भी पहुंचना आसान होगा। जरूरत पड़ी तो चीन के बॉर्डर पर कम समय में ही सेना के और जवानों की तैनाती हो सकेगी। यानी चीन की चालाकी पर उत्तराखंड के इस नए रास्ते से भारतीय सेना ड्रैगन को पलक झपकते ही मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी, और यही वजह है कि चीन नेपाल को बरगलाकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोड इट।